अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आप सबकी दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का वक्त है तो क्लीनिंग, सबका घर में यही होता है कि क्लीनिंग से ही शुरू होता है, तो मेरे घर में भी वही हुआ। मैं क्लीनिंग शुरू कर रही थी और रमज़ान भी आ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि एक बार डीप क्लीनिंग कर ही देती हूँ। डीप क्लीनिंग में ऐसे तो मुझे नीड नहीं है, बिकॉज़ मैं महीने में एक बार तो अपना घर को डीप क्लीन कर देती हूँ, और इस बार ना मैंने थोड़ा सा जल्दी ही कर दिया था, कर्टन वगैरह वॉश करवा दिया था। जैसे कि आप मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी देख सकते हो, मैंने थोड़े बहुत चीज़ें ना लॉन्ड्री से वॉश करवा दिए थे, बस डस्टिंग बचा था। यहाँ पर ज़्यादा डस्ट तो आता नहीं है, फिर भी मैं ना क्लीन करती ही रहती हूँ। और बच्चे घर पर हैं तो विंडो पर खड़े होते हैं, अलैना अलीसा चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, इतना चॉकलेट्स लग गया था विंडो में, मैं सोच रही थी कि वो भी क्लीन कर ही देती। ये सेंटर टेबल का भी वही हाल है, मैं कितना क्लीन करूं, दिन भर में अगर क्लीनिंग पर भी लगी रहूं ना तो भी घर मेरा क्लीन ना हो, बच्चे इतना गंदा करते हैं। तो मैं सेंटर टेबल को भी वही क्लीन कर रही थी, बहुत सारा गंदा हो रहा था। ये है ना, मैं हफ्ते में 2-3 बार तो डस्टिंग करती ही हूँ, ऐसे तो मेरे घर में ज़्यादा डस्ट आता नहीं है, फिर भी कर देती हूँ। अच्छा, जो ये टेबल देख रहे हैं ना टॉय का, मैंने यार इस कॉर्नर पे विंडो के साइड पे रखा था, तो विंडो के साइड पे रखा तो अलीज़ा है ना जो हाथ में मिलता है निकाल के सारा कुछ फेंक देती हूँ, और बार बार वो गिरा रही थी और घर काफ़ी मेसी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको है ना इस विंडो के इस साइड वाले सेक्शन में शिफ्ट कर देती हूँ, तो मैंने वही किया। फिर भी अलीज़ा जो है कहीं से भी नहीं छोड़ती कि वो जाएँ और गंदा ना करें, वो फिर से जाती हैं गंदा करके आ जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ना मेरे हिसाब से करना हो ना तो मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, बच्चों को तो डांट नहीं सकती हूँ, तो मैं कोई किसी भी वक्त उसको समेटने में ही लग जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना अलैना स्केट्स क्लास जाती हैं, स्केट्स क्लास जाके आने के बाद बच्चों का काम ही यही होता है कि मेस करना होता है, और हमारा काम होता है उसे क्लीन करना। वैसे ही अलैना ही पूरा सामान इसे बिखरा कर चली गई थी, तो मैंने उसको भी समेटा। यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी, अभी थोड़ी देर पहले मैं उनको पढ़ा भी रही थी, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो बुक्स भी उन्होंने वैसे ही छोड़ दिए थे, तो मैं वो भी समेट रही हूँ। अच्छा, मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा थका के काम नहीं करती हूँ, व्लॉग होता है 10 से 15 मिनट का, लेकिन मैं ना हर काम करने के बीच में थोड़ा बैठती हूँ और रेस्ट करती हूँ, थका के अपने आप को काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बच्चों का ना ऐसे ही होता है कि हमेशा जब भी कुछ चीज़ लेना होता है एक चीज़ लेते हैं 10 काम बिगाड़ते हैं, तो मेरे बच्चे भी वही हैं। पानी लेना हो तो पानी ही नहीं लेंगे, सारा कुछ बिखरा के वापस आएंगे, तो मैं वही कर रही हूँ फिर से, ये डेली रूटीन ही हो गया है आप समझ लीजिए मेरा। तो अच्छा, मैं ना टेबल्स थोड़े से पोछ रही थी, क्योंकि मुझे थोड़े से ऐसा लग रहे थे बच्चे कुछ भी चीज़ टच करते हैं ना उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह, और बीच में ना अलीज़ा चॉक से बहुत लिखना स्टार्ट कर दिए थे, क्रेयॉन्स एंड चॉक्स, तो उससे ना मैं वो सब थोड़े से टेबल में रह गए थे, तो मैंने टेबल वगैरह पोछ के उसके सब क्लॉथ्स वॉश करवा दिया था ना, तो वापस से उसको लगा रही हूँ। रहमान तो बोलते हैं कि मेड लगा देते हैं, मैं बोलती हूँ कि नहीं, क्या ज़रूरत है, घर पे हम होते हैं, हमारा घर है, हमको खुद मेंटेन करके रखना हो। वो आएंगे 1-2 घंटे के लिए काम कर के चले जाएंगे, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होता है ना वह घर की औरतें ही सही से कर सकती है, और जो चीज़ मुझे मेरे हिसाब से करनी होती है मुझे दूसरे अगर करते हैं ना मुझे अनकम्फर्टेबल होता है, अगर वो करके भी चले जाए ना मेरी इतनी गंदी हैबिट है कि मुझे खुद से अपने से ही करना होता है हर चीज़। तो देख रहे हैं आप, पूरा घर मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, ये मेरा डेली रूटीन है, ये डेली रूटीन ये मैं हमेशा करती ही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा मेन डोर थोड़ा सा मुझे ना ऐसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह और थोड़ा सा डस्टी डस्टी लग रहा था, तो मैं सोची कि आप सब क्लीन कर ही रही हूँ, रमज़ान भी आ रहा है तो ये भी क्लीन करते ही चलो, तो है ना मैंने बस हल्का, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, एक हाथ में ही पूरा क्लीन हो गया, तो मैं ना स्प्रे लगा के उसको अच्छे से क्लॉथ के साथ साथ वाइप कर ले रही हूँ। अगर ये छोटे मोटे चीज़ें हम ना घर पे अपने डेली लाइफस्टाइल में अगर यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो है ना हम लोगों को घर भी साफ रहेगा और हम लोगों को रहने में मज़ा भी लगेगा, तो मैं हमेशा यही करती हूँ। ये डोर है ना मेरा वॉचमैन पे हमेशा बाहर से पोंछ देते थे, फिर भी लेकिन वो मुझे उतना क्लीन नहीं लगता था, तो मैं सोच रही हूँ जब साफ़ कर ही रही हूँ तो इसको भी कर देती हूँ, तो मैंने अंदर से और बाहर से अच्छे से इसको बहुत अच्छे से पोंछ लिया था और बहुत क्लीन भी हो गया था। ये हमारा ना मेन डोर है। अब पीछे दरवाज़ा जो हम क्लोज़ करते हैं वहाँ का भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ।
अच्छा आप गिटार देख रहे हैं, बीच में ना रहमान को बड़ा ख्वाहिश जागा था कि मुझे गिटार चलाना सीखना है, गिटार बजाना सीखना है, बजाना सीखना है। जब से आया है, ख़रीद तो लिया उन्होंने, आई गेस उन्होंने 5 मरतबा भी यूज़ ना किया हो, वो जैसा था वैसे ही है, और उसमें कुछ नहीं तो नहीं धूल अच्छा खासा जम जाता है। तो मैं पूरा क्लीन कर रही थी, ये देख रही हैं, बहुत इजीली हो जाता है, इतना ज़्यादा डस्ट होता नहीं। अगर आपके घर में डस्ट है तो आपको हफ्ते में एक बार तो क्लीन करना लाजिम ही है। देखिए कितना क्लीन हो गया। यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, होप करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ बेडरूम की डीप क्लीनिंग के साथ। जब तक आप अपने दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी वीडियोज़ को भी आपने काफ़ी प्यार दिया है, होप करती हूँ इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।